हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए इंटर का लॉ सब्जेक्ट पेपर नंबर 5। एंड प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया है सबसे पहले अपना सेक्शन सी। मैंने आप लोगों को बोला है कि तीन पार्ट्स में ये आपका सब्जेक्ट डिवाइडेड है। हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया सेक्शन सी को, जो कि आपका कॉरपोरेट लॉ है। 40 मार्क्स का 40 नंबर का है ये। मैंने आपको यह भी बताया बच्चों कि अगर आप अपने सीएमए के स्टडी मटेरियल में देखोगे, मॉड्यूल में देखोगे जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, तो उसमें सेक्शन सी चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ है, बल्कि पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। पैराग्राफ स्टार्ट होता है और फिर एंड हो जाता है, इस तरीके से दिया हुआ है। पर हम इस सेक्शन सी को चैप्टर में बाइफिकेट करके पढ़ रहे हैं, पढ़ हम पूरा रहे हैं। पूरा आपका सीएमए ने जो मॉड्यूल में दिया है, जो स्टडी मटेरियल में दिया है, एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साथ में हम करते हुए चल रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर वाइज हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, इसको चैप्टर में हमने इसलिए डिवाइड कर दिया है ताकि हमारे लिए ये इजी हो जाए पढ़ने के लिए, पढ़ने में इंटरेस्ट जाए। तो बच्चों, हम शुरू के 2 चैप्टर हमारे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कंपनी क्या है और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, लिफ्टिंग अप या पेयर्सिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल और उसकी सिचुएशंस। और सेकंड चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ कंपनी देख लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि है प्रमोटर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 3, और इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर प्रमोटर कौन होता है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी को फॉर्म करने का, इनकॉर्पोरेट करने का, स्टार्ट करने का, रजिस्टर कराने का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, कितनी फीस लगती है, ये सब कुछ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और जरूरी टॉपिक जो आता है प्यारे बच्चों, वो है प्रमोटर, कि आखिर ये प्रमोटर क्या है, प्रमोटर कौन है। देखिए बच्चों, प्रमोटर एक पर्सन है। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर एक पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए जितने भी लीगल रूल्स रेगुलेशंस फुलफिल करने पड़ते हैं, वो सभी काम प्रमोटर कर रहा है। मतलब जो पर्सन, जो बंदा कंपनी को बनाने के लिए सभी लीगल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, सभी प्रोसेस को फुलफिल करता है, कंपनी को उस स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है जहां से कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, उसे बोला जाता है प्रमोटर। प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सभी तरह के लीगल रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहा है और आरओसी से कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले रहा है। मतलब प्रमोटर वो पर्सन है जिसने कंपनी को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, उस स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया जहां पर कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, जहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और अब कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, उस पर्सन को प्रमोटर बोला जाता है। स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं समझ गया, सर मैं समझ गया, आप मेरे से ये बोलना चाह रहे हो कि प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एंगेज्ड है। प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एंगेज्ड है और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जितने भी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी लीगल टर्म्स कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जिस जिसने सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो सभी काम प्रमोटर ने, वो प्रमोटर है। समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन और इसकी लीगल, अब ये आपने, स्टूडेंट बोलता है कि सर देखिए, अभी जो आपने मुझे प्रमोटर के बारे में समझाया ये मैं समझ चुका हूं, और जो लीगल डेफिनेशन है, जो एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर, कानून के अंदर प्रमोटर की डेफिनेशन लिखी है, वो है लीगल लैंग्वेज में, पर उसका मतलब यही निकलता है। प्रमोटर मींस एनी पर्सन हु इज इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड नेम्ड एज प्रमोटर इन एनी ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। कहने का मतलब प्रमोटर वो है जो कंपनी के लिए काम कर रहा है,
और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम प्रमोटर की तरह लिखा हुआ है, बिला बिला बिला। तो आपको अभी तक यह समझ में आया कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है, तो उस कंपनी को बनाने के लिए जितने रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स फुलफिल करने होते हैं, जितनी टर्म्स कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, जो भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से ऑब्टेन करना पड़ता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटी को सबमिट करने पड़ते हैं, वो सभी काम प्रमोटर करता है। प्रमोटर वो पर्सन है जो कि सभी अरेंजमेंट्स कर देता है और कंपनी को उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से कंपनी अब अपना बिजनेस शुरू कर सके, उसे प्रमोटर बोला जाता है। स्टूडेंट बोलता है कि सर आपने अभी तक ये जो मुझे प्रमोटर के बारे में समझाया, ये मुझे एक एक बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन सर अब मेरे एक डाउट है, आप उस डाउट को कंफर्म करिए। मैंने कहा बताइए क्या डाउट है। बोला सर मैंने बहुत बार एक नोट पढ़ा हुआ है, पर जब जब मैं प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ता हूं, जब जब मैं प्रमोटर के बारे में कोई भी बात पढ़ता हूं, तो सर एक स्टेटमेंट, एक नोट वहां पर, एक एक्सेप्शन वहां पर जरूर दिखाई देता। उस एक्सेप्शन का मीनिंग बताइए सर आप मुझे। और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है अ पर्सन शुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रमोटर। एक पर्सन को प्रमोटर नहीं माना जाएगा अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो एक पर्सन को प्रमोटर नहीं माना जाएगा अगर वो किसी कंपनी को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इनकॉर्पोरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए बच्चों, एक बार की बात है, दो भाई थे, एक था मोटू एक था पतलू। तो वो दोनों भाई जो है मोटू और पतलू, वो गए हमारे पंकज त्रिपाठी जी के पास। किसके पास गए? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी कौन है? पंकज त्रिपाठी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है। पंकज त्रिपाठी कौन है? पंकज त्रिपाठी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है ये। अब मोटू और पतलू दोनों भैया, इन दोनों भाइयों को एक कंपनी बनानी थी और वो दोनों चले गए त्रिपाठी जी के पास। और त्रिपाठी जी के पास में जाकर बोले, त्रिपाठी जी हमको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आप हमारे लिए एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो। त्रिपाठी जी बोले, हाँ मोटू पतलू भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरा तो काम है। अरे मेरा यही तो काम है, मैं लोगों के लिए कंपनी ही तो इनकॉर्पोरेट करता हूं और इसी बात का तो पैसा कमाता हूं, इसी से तो मेरी रोजी रोटी आती है, इसी से तो मेरा घर चलता है, यही तो मेरा काम है। हाँ मैं आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मोटू पतलू बोले कि ठीक है आप हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दोगे, पैसे कितने लगेंगे? बोला पैसे लगेंगे 5,000 रुपए। पंकज त्रिपाठी जी बोले 5,000 रुपए लगेंगे आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के। तो मोटू पतलू भैया के दिमाग में अब कुछ सवाल आए। मोटू पतलू भैया बोले, त्रिपाठी जी यार एक बात बताओ, आपने अभी तक अपनी लाइफ में, जब से आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बने हो तब से अभी तक आपने कितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर दी? बोला मैंने तो साहब 100 से भी ज्यादा कंपनीज इनकॉर्पोरेट करवा दी। और बोला फीस कितनी लेते हो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के? बोला कम से कम 5,000 तो लेते हैं, बाकी अगर काम ज्यादा है तो ज्यादा भी ले लेते हैं, कम से कम 5,000 रुपया तो लेते एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का। तो मोटू और पतलू भैया अब ये बोले, बोला त्रिपाठी जी देखो, हम आपके पास में आए, हमने आपसे बोला हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, आपने बोला कर दोगे, हमने बोला कितने रुपए लगेंगे, आपने बोला 5,000 रुपए लगेंगे, हमने आपसे पूछा अब तक कितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर चुके, आप बोले 100 से भी ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर चुके, हमने पूछा नॉर्मली एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का कितना रुपया लेते हो, कम से कम 5,000 आप लेते हो। यार हमने तो कानून में ये पढ़ा है, यार हमने तो लॉ में ये पढ़ा है कि अगर कोई पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहा है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सभी लीगल रूल्स रेगुलेशंस को फुलफिल कर रहा है, तो फिर वो पर्सन
उस कंपनी का प्रमोटर माना जाता है। हमने तो ये पढ़ा है, आपने त्रिपाठी जी अपनी लाइफ में 100 से ज्यादा कंपनीज इनकॉर्पोरेट करवा दी, क्या आप उन सभी 100 की 100 कंपनीज के प्रमोटर माने जाओगे? त्रिपाठी जी बोले ना 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 ना। त्रिपाठी जी मोटू पतलू से बोले कि मोटू पतलू भैया, वैसे तो आपकी बात सही है कि प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराता है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए सभी तरह के लीगल रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर, टर्म्स, कंडीशंस को फुलफिल करता है, लेकिन लेकिन आपके केस में मैं प्रमोटर नहीं माना जाऊंगा, या मेरे से बाकी जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है जिनसे मैंने पैसा लिया है, मैं उनके केस में प्रमोटर नहीं माना जाऊंगा। उसकी वजह है, देखिए उसकी वजह यह है कि मैं ये जो काम करता हूं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, ये मैं पर्सनल कैपेसिटी में करता हूं। पर्सनल कैपेसिटी को अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं तो ये मेरा धंधा है, इससे मेरे घर में पैसा आता है, मैं इस बात का पैसा कमाता हूं। अगर कोई भी पर्सन जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसका काम है, इस यही उसका धंधा है, यही उसका बिजनेस है, यही से वो पैसा कमाता है, उस केस में वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट तो कर रहा है लेकिन वो उस कंपनी का प्रमोटर नहीं माना जाता। बच्चों आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्यों? उसका जवाब मैं दूंगा, एक एक जो जो आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं उनका एक एक का जवाब आपको मिलेगा। बस जो मैं बोलता जा रहा हूं वो आप सुनते रहिए। अभी तक मैंने आपको क्या बोला प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को देखिए ये बोला, अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो जो लीगल रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशन, नियम, शर्तें फुलफिल करनी है कर रहा है, फॉर्म्स फाइल करने कर रहा है, सर्टिफिकेट ऑप्टेन करने कर रहा है, वो प्रमोटर कहलाता है। लेकिन अगर वो पर्सन ये काम पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है, लेकिन अगर वो पर्सन ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसका बिजनेस है, ये उसका धंधा है, इससे उसकी रोजी रोटी आती है, इससे वो कमाता है, तो उस केस में वो प्रमोटर नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? बच्चों ऐसा इसलिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी प्रमोटर है, प्रमोटर और कंपनी के बीच की जो रिलेशनशिप होती है ना प्यारे बच्चों, प्रमोटर और कंपनी के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है। कैसी रिलेशनशिप होती है? वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है वो ट्रस्ट की रिलेशनशिप होती है, वो भरोसे की रिलेशनशिप होती है, भरोसे की। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक चीज समझने की कोशिश की, देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक चीज समझिए, मान के चलिए मैं मोहित बंसल, मेरे पास में पैसा है और मुझे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मेरे पास में पैसा है और मुझे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। मैंने लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में पैसा है, मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मेरे पास में टाइम नहीं है। तो मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैंने उसको 10 लाख रुपए दे दिए और मैंने उससे बोला कि यार एक फलाने नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दे और जो जो लीगल टर्म्स कंडीशन फुलफिल करनी होती है कर ले। मैंने अपने फ्रेंड को यह काम क्यों दिया? मैंने उसको 10 लाख रुपए दे दिए। अब समझिए मेरे पास पैसा है, मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है पर टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने अपने एक दोस्त को, जानकार को, जिस पर मेरे को भरोसा है, जिस पर मेरे को ट्रस्ट है, मैंने उसको 10 लाख रुपए देके बोला कि यार कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दे और उसी से सर्टिफिकेट ले ले। अब सोचो वो बंदा मेरे लिए कोई जमीन जो है वो रेंट पे देखेगा, आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, खर्चा लगेगा। मैंने उसको 10 लाख रुपए दे दिए, मुझे ये भरोसा है कि वो मेरा जो दोस्त है, अगर मान लो कि वो एक जमीन किराए पर लेने के लिए गया जहां पर मेरी कंपनी की बिल्डिंग होगी, वो किराए पर लेने के लिए गया और जमीन अगर किराए पर उसे 1 लाख में मिल रही है तो वो उसे कम कराने की कोशिश करेगा या उतने की ही लेगा।
ऐसा नहीं है जमीन 1 लाख रुपए की मिल रही है तो सामने वाले से बोलेगा 1.5 लाख कर दे इसको, 50,000 रुपए मुझे दे देना एक्स्ट्रा। अगर ऐसा करेगा तो मेरा ट्रस्ट टूट गया ना बच्चों। कंपनी और प्रमोटर के बीच की रिलेशनशिप फिड्यूशरी होती है, ट्रस्ट फेथ भरोसे की होती है। सोचो कि अगर मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार 10 लाख रुपए ले और मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा दे, जहां जहां तुझे लगता है पैसे खर्च करने की जरूरत है वहां वहां अपने हिसाब से पैसे खर्च कर लेना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करा दे। अब कल को मेरा दोस्त ये बोले कि मोहित यार तेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के चक्कर में मेरे तो 7 दिन खराब हो रहे हैं यार, मेरे को 7 दिन की कुछ सैलरी दे दे, वहां पर भरोसा टूट जाएगा। हाँ मैं बोलूंगा यार तू मेरा दोस्त है, मैंने तेरे को बिना कुछ सोचे समझे 10 लाख रुपए दे दिए, मेरे माइंड में यह भी नहीं आया था कि तू कोई चीटिंग या फ्रॉड करेगा। यार तू 7 दिन का मेरे से सैलरी पैसा मांग रहा है, यार इसका मतलब मेरे और तेरे बीच में अब फिड्यूशियरी ट्रस्ट फेथ भरोसे की रिलेशनशिप नहीं रही, पैसा आ गया। अब तू तो अगर मैंने तेरे को सैलरी नहीं दी इस 10 लाख में से खा जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए अगर प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर वो पर्सन है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में, ट्रस्ट में, फेथ में, भरोसे में, अपनी कंपनी समझ के इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ना कि पर्सनल कैपेसिटी में। वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरा ये काम है, मेरे पास तो जो आता है मैं उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं, उस बात का पैसा लेता हूं। उस केस में वो प्रमोटर नहीं माना जाएगा, वो तो बस एक अपनी काम कर रहा है, अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में प्यारे बच्चों यहां तक? तो मैं दोबारा से बोलता हूं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप सब आपको समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रमोटर और कंपनी के बीच की जो लीगल रिलेशनशिप होती है वो ऐसा नहीं होता है कि प्रमोटर कंपनी का कोई एजेंट है या फिर कोई ट्रस्टी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर कभी कभी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि क्या प्रमोटर कंपनी का एजेंट है? नहीं। क्यों नहीं है एजेंट? अरे कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, अभी तक तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, अभी तो वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, अभी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, अभी तो कंपनी जिंदा ही नहीं है, अभी तो कंपनी का अस्तित्व ही नहीं है, अभी तो कंपनी की आइडेंटिटी नहीं है, अभी तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, तो फिर वो एजेंट किसका? क्या प्रमोटर एक ट्रस्टी है? नहीं, क्योंकि अभी तक कंपनी बनी नहीं तो ट्रस्ट है ही नहीं। प्रमोटर और कंपनी के बीच की रिलेशनशिप जो होती है वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है, ट्रस्ट की रिलेशनशिप होती है और भरोसे की रिलेशनशिप होती है, और उसमें पैसा नहीं होता, और उसमें पैसा नहीं होता। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर चलिए आपकी हम अभी तक ये बात समझ गए कि वो पर्सन जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है उसके लिए सभी लीगल टर्म्स कंडीशन फुलफिल करता है वो प्रमोटर है, लेकिन अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो वो प्रमोटर नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रमोटर और कंपनी के बीच की रिलेशनशिप फिड्यूशियरी होती है, ट्रस्ट फेथ भरोसे की रिलेशनशिप होती है। प्रमोटर कंपनी का कोई एजेंट या ट्रस्टी नहीं होता, बल्कि उनके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। सर इसका मतलब क्या है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का? देखो इसका मतलब क्या है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा इसका मतलब क्या है। सपोज कीजिए बबीता जी को एक कंपनी बनानी है, बबीता जी को एक कंपनी बनानी है और उस कंपनी का नाम रखना है बबीता क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, और उन्हें जेठालाल पे भरोसा है। तो बबीता जी ने बोला जेठा जी मेरे लिए एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, आपको तो नॉलेज है, और बबीता क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जेठालाल बोले हाँ बबीता जी मैं कर दूंगा, मैं आपका प्रमोटर हो गया एक तरीके से, आपको मेरे ऊपर भरोसा है। सपोज कीजिएगा कि उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रॉ मेटेरियल लेकर आना है, जेठालाल को पता है कि बबीता जी जब कंपनी खुल जाएगी तो उसमें प्रोडक्ट्स बनाएंगे अपने, उसके लिए रॉ मेटेरियल कच्चा माल चाहिए। तो जेठालाल कच्चा माल लेने के लिए किसी सप्लायर के पास में गया और सप्लायर से जाकर बोल रहा है कि देखो एक बबीता क्रिएशंस नाम से कंपनी खुलने वाली है, उसके लिए रॉ मेटेरियल चाहिए, तो रॉ मेटेरियल दे दो 50,000। अब रॉ मेटेरियल आ रहा है 50,000 रुपए का। ऐसा नहीं होगा कि जेठालाल जो है वो ये बोलेगा यार एक काम करो तुम तो ना 50,000 का ही रॉ मेटेरियल दो, बिल 75,000 का या 70,000 का बना दो, तुमको मैं 50,000 दे दूंगा, बाकी के 20,000 में अपने पास में रख लूंगा। ऐसा नहीं, फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रही नहीं। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि प्रमोटर कंपनी के खर्चे पे अपना प्रॉफिट नहीं करेगा,
प्रमोटर कंपनी के खर्चे पे अपना प्रॉफिट नहीं करे, हर ये बात समझ में। या फिर मानकर चलो कि वो गया, जेठालाल गया रॉ मेटेरियल लेने के लिए, सामने सप्लायर बोल रहा है यार रॉ मेटेरियल 50,000 का है। जेठालाल को कोशिश करनी चाहिए कि यार कम करो ना यार, ऐसे क्या 50,000 ले रहे हो, कम करो यार, ताकि जो फायदा है, जो नेगोशिएशन किया जा रहा है, जो जो भावत्याव किया जा रहा है, बार्गेनिंग की जा रही है, उसका जो फायदा है वो कंपनी को मिलना चाहिए। ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है कि कंपनी के फायदे पे अपना बेनिफिट नहीं करेगा, और कोई भी बातचीत अगर कर रहा है उसका फायदा कंपनी को पहुंचाएगा, उसका फायदा हमेशा कंपनी को पहुंचाएगा। अपनी पोजीशन का कोई अनफेयर यूज नहीं लेगा, इलीगल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। या इसके अलावा और क्या होगा, मान के चलो बबीता जी को एक जमीन लेनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, और बबीता जी को पता चला यार वो प्रॉपर्टी जेठालाल की है। तो बबीता जी जेठालाल के पास में गई और बोली कि जेठालाल जी मुझे ना वो प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पता लगा है वो प्रॉपर्टी आपकी है। अब जेठालाल क्या बोल रहा है सुनिए, बोल रहा है हाँ बबीता जी आप सही बोल रही हो, जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए वो मेरी है, और अभी उसकी वैल्यू ना 50 लाख रुपए है, पर मार्केट में हर कोई उसको 70 लाख में खरीदने के लिए तैयार है, लोग बैठे हैं खरीदने के लिए। अब अगर मैं आपको बेच दूंगा उसे 50 लाख में, तो जो 20 लाख रुपया मेरे को एक्स्ट्रा मिल सकता है मार्केट से वो नहीं मिलेगा, मेरा लॉस हो जाएगा। आप लेना चाहती हो मेरे से प्रॉपर्टी ले लो, मैं आपको 70 लाख में दे रहा हूं, बट मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्लियरली डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मैं 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपसे कमा रहा हूं। अब क्या होगा, अब बबीता जी बोलेंगे कि यार ये भरोसे वाला आदमी है जेठालाल, इसने मेरे को खुला बताया कि देखो प्रॉपर्टी 50 लाख की है, बट मैं आपको 70 में बेच रहा हूं, 20 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूं, डिस्क्लोज किया है। अगर वहीं पर जेठालाल चुपचाप 70 लाख की प्रॉपर्टी बेच देता और बताता नहीं इनको, तो वहां पर फिर ट्रस्ट, फिर फ्यूडिशरी पोजिशन नहीं, फिर भरोसा नहीं रहता। होता है ना, अपन एक अपने दोस्त से क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने घर वालों से, किसी से भी क्या बोलते हैं, यार तेरे को प्रॉफिट चाहिए था तो भाई बोल देता ना यार, तो बोल देता ना कि ये जो चीज है वो अगर तू मार्केट में बेचेगा 10 रुपए की सेल आउट हो जाएगी, तो मैं भी तेरे को 10 रुपए दे देता, लेकिन तूने मेरे से झूठ बोल के 10 रुपए लिए, उससे फायदा क्या निकला, भरोसा टूट गया मेरा तो तेरे साथ में। अरे बात समझ में आता। तो फिड्यूशियरी पोजीशन का मतलब क्या है कि प्रमोटर जो है वो कंपनी का इलीगल पैसा नहीं कमाएगा, या फिर अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो डिस्क्लोज करेगा। अगर अपनी वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, प्रमोटर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, खरीदने वाली अगर सामने कंपनी है तो बताएगा कि मैं कितने रुपए पर बेच रहा हूं, इसमें कितना मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूं, डिस्क्लोज करेगा, इलीगल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। तो स्टूडेंट बोलता है कि सर अभी तक आपने जो बात समझाई वो मुझे बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अभी तक आपने बोला प्रमोटर का मतलब होता है वो पर्सन जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो जो लीगल रूल्स रेगुलेशंस फुलफिल करने चाहिए वो कर रहा है, और लेकिन वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में है तो फिर उस केस में वो प्रमोटर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो तो अपना पैसा कमाने के लिए ये काम कर रहा है। क्योंकि प्रमोटर और कंपनी के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है, ट्रस्ट फेथ भरोसे की। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रमोटर कंपनी के खर्चे पे अपना इलीगल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, कोई भी अगर बार्गेनिंग कर रहा है तो उसका फायदा कंपनी तक पहुंचाएगा, ये सब काम होता है। स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को यहां तक बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने बोला कि कोई प्रमोटर कंपनी से रेम्यूनरेशन नहीं मांग सकता। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, ये वो प्रमोटर नहीं है। देखिए प्रमोटर दो तरीके के होते हैं, हम वो प्रमोटर पढ़ रहे हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहा है, कंपनी अभी तक खुली नहीं है, कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, प्रमोटर अभी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहा है। और एक वो प्रमोटर होता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और अपना बिजनेस उसने शुरू कर दिया, उसके बाद में जो प्रमोटर है। तो जो बंदा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहा है, जरूरी नहीं है इनकॉर्पोरेट होने के बाद में भी वही प्रमोटर रहेगा, वो अलग है और वो अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आज जेठालाल जो है उन्होंने बबीता जी की कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, तो जेठालाल प्रमोटर बन गए,
अब अगर बबीता जी की कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेट होने के बाद में बबीता जी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा कि जेठालाल अब मेरे प्रमोटर होंगे, तो वो प्रमोटर माने जाएंगे, वरना वो वही वाले प्रमोटर हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करा के चले गए थे। और हम उस वाले प्रमोटर की बात कर रहे हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहा है, ना कि उस प्रमोटर की जो इनकॉर्पोरेट होने के बाद में एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलो कि यार प्रमोटर तो सैलरी लेता है, रेमुनरेशन लेता है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस प्रमोटर की जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रमोटर रेमुनरेशन क्लेम कर सकता है? नहीं, प्रमोटर कंपनी से रेमुनरेशन नहीं मांग सकता। प्रमोटर कंपनी से ये नहीं बोल सकता कि देखो यार मैं तुम्हारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहा हूं तो मुझे उस बात का कुछ पैसा दो, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिड्यूशियरी पोजीशन वहां पे ब्रीच हो जाएगी ना, जहां पैसा आ गया। तो बच्चे बोलते हैं कि सर चलो मैं ये समझ गया कि प्रमोटर कंपनी से रेमुनरेशन नहीं मांग सकता, प्रमोटर कंपनी से पैसा नहीं मांग सकता। दूसरा क्वेश्चन, क्या कंपनी खुद प्रमोटर को पैसा दे सकती है? हाँ, कंपनी दे सकती है। उसमें क्या है यार, आज प्रमोटर नहीं मांग सकता, क्योंकि प्रमोटर अगर मांगेगा पैसा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का तो हम बोलेंगे कि अरे यार ये तो पैसा मांग रहा है, इसके माइंड में कहीं ना कहीं पैसे की बात चल रही है, हमारा तो ट्रस्ट फेथ भरोसा टूट गया। लेकिन कंपनी खुद सोच सकती है ना कि यार सामने पर आज मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार मेरे लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दे और वो करने लग गया, वो मेरे से पैसा नहीं मांगेगा क्योंकि उसको पता है कि यार भरोसे की रिलेशनशिप है। पर मैं तो ये सोचूंगा ना कि यार वो बंदा अपना काम धंधा छोड़ के मेरा काम कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, अपना इतना मेहनत कर रहा है, क्यों ना मैं उसको कुछ ना कुछ फायदा दूं। तो कंपनी अपनी तरफ से प्रमोटर को रेम्यूनरेशन दे सकती है, प्रमोटर नहीं मांग सकता। याद रखिएगा बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी प्रमोटर को कैसे रेम्यूनरेशन दे सकती है? प्रमोटर खुद नहीं मांग सकता, कंपनी प्रमोटर को रेम्यूनरेशन दे सकती है। कैसे दे सकती है, क्या तरीके हैं? तो बड़ा सिंपल है, क्या तरीके हैं? अच्छा, एक तो डायरेक्टली कैश दे दे, एक तो डायरेक्टली कैश दे दे कि यार ये तेरा पैसा कंपनी इनकॉर्पोरेट करी उसके लिए, एक तो कैश दे दे, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे दे, या फिर शेयर मान लो 110 रुपए का है उसको 100 रुपए पे डिस्काउंट पे दे दे, या डिस्काउंट का मतलब प्रीमियम पे जो शेयर है उसको पार वैल्यू पे दे दे, या तो कैश दे दे या फ्री में दे दे, बोनस शेयर्स दे दे या फ्री फोकट के शेयर्स दे दे, या फिर शेयर्स की शेयर्स मान लो कंपनी ने 110 रुपए प्रीमियम पे इशू किए उसको 100 रुपए पे दे दे कि तेरे को पार पे देते हैं, या फिर मान लो प्रमोटर जो है उसने कंपनी के कुछ सिक्योरिटीज बिकवा दी, शेयर्स बिकवा दिए, उन पे कमीशन दे दे। किसी भी तरीके से कंपनी दे सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमोटर खुद नहीं मांगेगा, कंपनी अपनी तरफ से रेम्यूनरेशन दे सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने जो पढ़ाया एक बार रिवाइज करवाओ फिर आगे चले, मजा आ रहा है। मजा तो आना चाहिए क्योंकि हम पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ में, और अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में हम देखने वाले। क्वेश्चन ये आता है कि प्रमोटर कौन है? प्रमोटर एक वो पर्सन है जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए जो जो लीगल रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशन, नियम, शर्तें, कानून फॉलो करना चाहिए वो सब कर रहा है, लेकिन वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर रहा है। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है तो फिर उस केस में वो प्रमोटर नहीं माना जाए। प्रमोटर और कंपनी के बीच की रिलेशनशिप कैसी होती है? फिड्यूशियरी होती है, ट्रस्ट की फेथ की होती है। क्या प्रमोटर कंपनी का एजेंट है? नहीं। क्या प्रमोटर कंपनी का ट्रस्टी है? नहीं, क्योंकि कंपनी को आप प्रिंसिपल बोल ही नहीं सकते, ट्रस्ट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई अभी तक। ठीक है, फिड्यूशियरी पोजीशन का मतलब क्या है कि प्रमोटर जो भी काम करेगा कंपनी के फायदे के लिए करेगा। प्रमोटर अगर कोई नेगोशिएशन बार्गेनिंग करेगा तो उसका फायदा कंपनी को पहुंचाएगा। प्रमोटर कंपनी के पैसे में से अपना कोई इलीगल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। अगर प्रमोटर अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच रहा है तो सामने खरीदने वाली कंपनी है तो फिर या तो मार्केट वैल्यू पर बेचेगा, और अगर ऊपर वाली वैल्यू पर बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो डिस्क्लोज करेगा मैं प्रॉफिट कमा रहा। क्या प्रमोटर कंपनी से रेम्यूनरेशन मांग सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कंपनी दे सकती है? कंपनी दे सकती है अपनी मर्जी से। स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की बात समझ में आती है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे, और नेक्स्ट हमारा जो अब टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है,
या प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है इसे प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है या इसे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या होता है अभी हम समझेंगे ये क्या होता है। देखिए बच्चों, सपोज कीजिए कि एक कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, होने वाली है, और उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स कौन है? प्रमोटर। और कंपनी क्या काम करेगी? ये कंपनी फर्नीचर बनाने का काम करेगी। तो मिस्टर एक्स जो कि इस कंपनी का प्रमोटर है, वो अब अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, कंपनी के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है रॉ मटेरियल लेकर आ रहा है, हो सकता है रेंट पे बिल्डिंग ले रहा है, हो सकता है रेंट पे कुछ सप्लाई दूसरी कुछ चीजें ले रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रमोटर इसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे, इसके साथ में थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है। तो जब कोई प्रमोटर जिस कंपनी को बना रहा है और जो अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है उसके बिहाफ पर अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले कंपनी के बिहाफ पर प्रमोटर थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है, जिसे हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए ये हैं हसीन दिलरुबा, मूवी देखी होगी ना हसीन दिलरुबा, ये हसीन दिलरुबा जी हैं, इनको अपनी एक कंपनी ओपन कर रही है। तो इन्होंने अपने एक भरोसेमंद आदमी को बोला कि मेरे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो हसीन दिलरुबा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, कंपनी फर्नीचर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी। बोला ठीक है, हाँ मैं कर देता हूँ, उसके लिए काफी सारे लीगल काम करने हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मैं करता हूँ। अब इन्हें रॉ मेटेरियल भी लेना है, तो ये गोदरेज कंपनी के पास में गए। ये कौन है? ये प्रमोटर है इस कंपनी के, कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है। तो ये गए गोदरेज कंपनी के पास में और गोदरेज कंपनी के पास में जाकर बोले कि हसीन दिलरुबा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाने जा रहा हूं, मैं उसका प्रमोटर हूं, आप 55 लाख रुपए का रॉ मटेरियल मुझे उधार पर दे दो। तो गोदरेज कंपनी ने रॉ मटेरियल उधार पर दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? इनका नाम है विक्रांत, क्या नाम है? विक्रांत मैसी, क्लियर है? बबलू भैया, आपने मिर्जापुर देखी ना, बबलू भैया है। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इस कंपनी के बिहाफ पर किया, इस कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले किया, थर्ड पार्टी के साथ में किया। तो गोदरेज थर्ड पार्टी है, ये प्रमोटर है और इस कंपनी के बिहाफ पर यह कॉन्ट्रैक्ट किया गया इसके इनकॉर्पोरेशन से पहले, क्लियर है ये चीज? अब कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया? किया 55 लाख रुपए का। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल कौन है? गोदरेज लिमिटेड के लिए 55 लाख रुपया पैसा वापस करने के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्रमोटर ने किया है, कंपनी के बिहाफ पे किया है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किया है, थर्ड पार्टी के साथ किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर पर्सनली लायबल होता है। प्रमोटर पर्सनली लायबल होता है। तो क्या सर इस प्रमोटर की पर्सनल लायबिलिटी हमेशा के लिए चलती रहेगी? नहीं। बड़े ध्यान से सुन लेना, इसी पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं समझ में आया कि प्रमोटर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किसी थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के बिहाफ पे, उसे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये आपको बात यहां तक समझ में आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या है, अब बड़े ध्यान से समझ। अब क्वेश्चन यह है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल कौन है? प्रमोटर पर्सनली लायबल है, लेकिन प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी कब? कब?
जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, हसीन दिलरुबा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद में हसीन दिलरुबा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इस थर्ड कंपनी को बोला, थर्ड पार्टी को बोला राइटिंग में कि विक्रांत ने, मेरे प्रमोटर ने जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया था 55 लाख का, वो मेरे कहने पर किया था और अब इसके लिए पर्सनल लायबिलिटी मेरी कंपनी की बनती है, ना कि प्रमोटर की। उस वक्त प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म कब हो जाएगी? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई प्लस उसने रेटिफाई कंफर्म कर दिया कि प्रमोटर ने मेरे ही कहने पे कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो प्रमोटर की लायबिलिटी कब खत्म होगी? जब दो कंडीशन फुलफिल हो गई, जो कंपनी जिसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो इनकॉर्पोरेट हो गई प्लस उसने राइटिंग में थर्ड पार्टी को यह कंफर्म कर दिया, रेटिफाई कर दिया, लिख के दे दिया कि मेरी लायबिलिटी है, प्रमोटर की लायबिलिटी नहीं है, उसे माफ कर, तो फिर उस केस में प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर दो में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं तो प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई लेकिन उसने अब लायबिलिटी लेने से मना कर दिया, उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता है कि ये किसके व्यापार पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरे नहीं, तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई तो फिर पर्सनल लायबिलिटी प्रमोटर की चलेगी, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई लेकिन कंपनी ने राइटिंग में कंफर्म नहीं किया कि प्रमोटर ने मेरे कहने पर यह कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस केस में प्रमोटर फंस गया, वो पर्सनली लायबल है। लेकिन अगर दो कंडीशन फुलफिल हो गई, दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हुई प्लस कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हुई प्लस कंपनी ने राइटिंग में यह कंफर्म कर दिया कि यह कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने मेरे बिहाफ पे किया है, तो फिर उस केस में प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म हो जाए, कंपनी की लायबिलिटी चालू हो जाए। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोगों को अभी तक मेरी बात समझ में आई होगी। मैं एक बार यहां तक पहले आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रमोटर कौन है। प्रमोटर एक वो पर्सन है जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जितने भी लीगल रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं वो सभी काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई पर्सन पर्सनल कैपेसिटी में ये काम कर रहा है तो वो प्रमोटर नहीं माना जाता। दूसरा पॉइंट कि प्रमोटर जो है वो कंपनी के साथ में उसकी रिलेशनशिप कैसी है। प्रमोटर कंपनी का ट्रस्टी नहीं है, प्रमोटर कंपनी का एजेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी कोई प्रिंसिपल या ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। प्रमोटर और कंपनी के बीच की रिलेशनशिप फिड्यूशरी है, ट्रस्ट, फेथ, भरोसे की रिलेशनशिप। प्रमोटर फिड्यूशरी पोजीशन का मतलब क्या है कि प्रमोटर जो भी काम करेगा कंपनी के फायदे के लिए करेगा, कोई भी नेगोशिएशन बार्गेनिंग करेगा, मोल भाव करेगा, कंपनी के फायदे के लिए करेगा, कंपनी के पैसे में से कोई इलीगल प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। इवन अगर प्रमोटर अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेच रहा है और सामने खरीदने वाली पार्टी कंपनी है तो या तो उसे मार्केट वैल्यू पर देगा, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, या फिर अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा दे रहा है तो कंपनी को डिस्क्लोज करेगा कि मैं आपको इतने ज्यादा रुपए पर बेच रहा हूं और पैसा कमा रहा हूं। उसके बाद में नेक्स्ट कि क्या प्रमोटर कंपनी से रेम्यूनरेशन मांग सकता है? नहीं, प्रमोटर नहीं मांग सकता। हाँ, कंपनी खुद दे सकती है। कैसे दे सकती है? किसी भी तरीके से, डायरेक्ट कैश दे दे, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे दे। कंपनी दुनिया को तो प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर रही है लेकिन प्रमोटर को पार पे दे दे, ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वो है जो कि प्रमोटर करता है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपनी के बिहाफ पे करता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले करता है, थर्ड पार्टी के साथ में करता है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रमोटर जो है वो इन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, जिन्हें प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं या प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उनके लिए लायबल कौन है? उनके लिए पर्सनली प्रमोटर लायबल होता है। लेकिन वैसे तो पर्सनली जो लायबल है वो प्रमोटर लायबल है, लेकिन प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में राइटिंग में कंफर्म कर दे कि प्रमोटर ने मेरे बिहाफ पर यह कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो प्रमोटर की लायबिलिटी एंड हो जाती है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर यहां तक हमें आपकी बात समझ में आ चुकी है।
आपने बोला था कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, सर क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, स्कैनर भी कराइए। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया है कि प्रमोटर कौन है, वो तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक वेलकम कंपनी है, उसका जो प्रमोटर है, वेलकम कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 8 जून 2019 को, और इनकॉर्पोरेट कब हुई, 8 जून को, लेकिन इनकॉर्पोरेशन से एक महीने पहले 10 मई को वो कंपनी किसी के साथ में सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 8 जून को, लेकिन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 10 मई को, इनकॉर्पोरेट होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ऑब्वियस बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट वेलकम कंपनी ने तो नहीं किया, बल्कि इसके प्रमोटर ने किया। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है जून में, लेकिन इनकॉर्पोरेट होने के बाद में कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म नहीं कर रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में प्रोसीड नहीं कर रही है। मतलब इनकॉर्पोरेट तो हो गई है, लेकिन राइटिंग में ये लिखकर नहीं दे रही है कि प्रमोटर ने 10 मई को जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मेरे ही कहने पे किया था, मेरे बिहाफ पे किया था, ऐसा नहीं कर रही है। उस केस में आप बताइए लाइबिलिटी किसकी बनेगी, उस केस में लाइबिलिटी प्रमोटर की बनेगी, उस थर्ड पार्टी के लिए प्रमोटर लायबल है। क्वेश्चन ये आता है कि चलो सर यहां तक आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली देखें तो प्रमोटर का तो लॉस हो गया, थर्ड पार्टी के लिए प्रमोटर लायबल है। थर्ड पार्टी बोलेगी यार तुम ही तो आए थे मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट करने, तुमने बोला था वेलकम कंपनी के व्याप पे कर रहे हो, लेकिन कंपनी तो मना कर रही है, अब तुम दो मेरे को मेरा पैसा, प्रमोटर पर्सनली लायबल। लेकिन प्रैक्टिकली तो प्रमोटर का लॉस हो रहा है ना, हाँ, तो प्रमोटर वेलकम कंपनी के खिलाफ केस कर देगा ना, और प्रूव कर देगा कि नहीं जी ये कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, लेकिन इसके लोगों ने मेरे से बोला था, देखो ये सबूत है, इसमें प्रमोटर को पैसा मिल जाएगा। थर्ड पार्टी के लिए तो प्रमोटर लायबल है, बाकी प्रमोटर वेलकम कंपनी से अपना पैसा निकलवा सकता है, वो केस कर देगा उस कंपनी के ऊपर, अगर वो प्रूव कर पाएगा कि मैंने इनके ही व्याप पे किया था कॉन्ट्रैक्ट, अभी अपनी बात से मुकर रहे। उसको हम बोलते हैं, अरे बच्चों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर प्रमोटर के साथ में उस इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनी ने ही फ्रॉड कर दिया, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म ही नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी के लिए तो प्रमोटर लायबल है, लेकिन उस कंपनी के व्याप पे वो केस कर सकता है अगर उसके पास में सबूत है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने आज जो स्टार्ट किया चैप्टर 3 के अंदर, हमने प्रमोटर वाला पार्ट पढ़ लिया। मैंने आपको बोला है इस ये चैप्टर दो पार्ट्स में है, ये सेम चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। एक तो है प्रमोटर, तो हमने प्रमोटर तो पढ़ लिया, प्रमोटर कौन है, उसकी क्या रिलेशनशिप है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, और प्रीवियस ईयर में प्रमोटर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो हम पढ़ चुके। अब हम इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम फॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आखिर कंपनी को कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, पब्लिक कंपनी कैसे बनती है, प्राइवेट कैसे बनती है, वन पर्सन कैसे बनती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, फॉरेन कंपनी कैसे बनती है, ये सभी चीजें अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट क्लास। प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार यहां तक अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करें, और फिर से बोल दूं, हम लोग अपना कंप्लीट स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, प्लस कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में करते हुए जा रहे हैं, हर चैप्टर के MCQs आपको मिल रहे हैं, आपको पता है टेस्ट जो बच्चे हमसे क्लासेस लेते हैं उनके रेगुलर टेस्ट चलते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास होती है, लिखने का तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन समझाया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर प्यारे बच्चों।